लेपर्ड है क्या ये? अरे अरे चलो भागो भागो भागो, अरे जल्दी जल्दी बहुत जल्दी, अरे भाई चलो ये सब मजाक में ले रहे, फाट के खाना है अभी यहाँ पर। न्यू न्यू फीलिंग अमेजिंग। हे गाइस, दिस इज अनुराग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग वीडियो। तो अभी मैं तिनचा फॉल जा रहा हूँ और मेरे साथ कुछ मेरे दोस्तों ने, फिलहाल अभी मैंने पेट्रोल डला लिया है और हम निकल चुके हैं। अब वहाँ पर जाकर देखते हैं। अभी देखो आप, जैसे कि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम बहुत शानदार है। तो हम फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या होता है माहौल, और जल्दी से चलते हैं। और वैसे टाइम नहीं था इंट्रो बनाने का, तो भाई अभी कुछ लोग आगे चले गए, अपने को बहुत जल्दी से जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखते हैं। और वहाँ पर मैंने सुना है भाई कि लेपर्ड जो है खुला घूम रहा है, मतलब वाटर इंदौर के अंदर, तो हमें थोड़ा चौकन्ना और सावधान रहना पड़ेगा। तो सडनली हमारा प्लान चेंज हो गया और हम चिंता फॉल की जगह हम जा रहे सतलज माता वाटरफॉल, तो चले चलते हैं। सब तो एक घंटा में लगने वाला है क्योंकि हम जाने वाले सतलज माता फॉल, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसलिए अभी धीरे धीरे हम मऊ के रोड। तो अभी हम निकल चुके हैं और हमारे साथ है हमारी टीम, क्या आप देख सकते हो बैकग्राउंड में दिख रहा है जय। और फटाफट हम पहुँचने वाले हैं और अभी हमने किशनगंज तक रीच कर लिया है। थोड़ी देर में हम पूरा जन्मभूमि तक पहुँचने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि। उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट हमको और लगेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट। जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि जन्मभूमि बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि, जिन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया। और यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर एक बार विजिट कीजिए। अभी वहाँ से आने का था, हम विजिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो माउंटेन दिख रहा है, ये जो रोड दिख रहा है, यहाँ से हम तिनचा फॉल, तिनचा वाटरफॉल, चोरल डैम, पाताल पानी, यहाँ से बहुत सारे ट्रैवलिंग प्लेसेस आती है। तभी तो हम जा रहे हैं हमारा सतलज माता वाटरफॉल। तो हमने गूगल मैप पर लोकेशन डाली और हम यहाँ पर आराम से आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ा ही अभी को आगे से फीलिंग आ रहा है झरने का। रुको जरा, सबर करो, आवाज आ रही है झरने की, मेरे को तो आ रही है। देखो भैया यहाँ से कितना प्यारा महल हो रहा है यार, इसी का पीछे थोड़ा सा। अरे यार क्या बात है, इसी करें मैं करती हूँ। That's nice, awesome, feeling amazing. Wow. तो देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम थोड़ा और पास में गए तो बादलों को छू पाएंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। आई होप तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ सतलज माता फॉल, अब आगे जाकर देखते हैं क्या माहौल होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और अब माहौल देख सकते हैं कि कैसा माहौल हो रहा है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं जैसे कि मतलब फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो। तो फटाफट हम वहाँ पर जाकर देखते हैं और देखते हैं वाटरफॉल का नज़ारा कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितने सारे लोगों ने यहाँ पर आए ट्रैक, और ये वाटरफॉल वाला हिस्सा ही है, थोड़ा बहुत छोटा छोटा वाटरफॉल में जो दिख रहा है, शॉर्टकट छो तो कूद के जाओ। इतना सा वाटरफॉल दिखाने के लिए तुम इतनी दूर लाए मेरे को, इतना सा वाटरफॉल दिखाने के लिए लाए थे तुम मुझे है? देख सकते हो आप मंकीज़,
मावसा होने वाला वाह सुपर जूम के साथ में वन प्लस भरोसा नहीं जिनके चाइना अंदर आता है। तो गाइस थोड़ी डेंजर बात यह है कि अभी इसी न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पर लेपर्ड घूम रहा है और थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इंदौर के जो आसपास वाले इलाका है यहाँ पर अभी लेपर्ड घूम रहा है। बहुत से लोगों को दिखा है, अभी कुछ लोगों ने बताया था कि इधर पास में किसी ने देखा है, तो सावधानी बरतना पड़ेगी, जगह देखना पड़ेगा, खतरनाक मामले हो जाएंगे। तो देखना रे ये झाड़ बहुत जल्दी टूटता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो चलो रे आराम से आराम आराम से चलना, इसलिए बोलता हूँ स्पोर्ट्स शूज पहन के आना चाहिए। तो यार देख सकते हो भाई तो नहीं बैठना यहाँ पर, चलते चलते मेरे पैर दुखने लग गए, ये शूज थोड़े से मेरे खराब है ना, ऊंचे नीचे थोड़े। पकड़ ले ऐसे ही पकड़ ले उसको। चांगलं भला चांगलं खराब करून आता आणतो ना जामून लिहिलं भाई इसे बहुत सारा अभी उतरना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे याद है पहले भी इसे उतरना पड़ा था। यहाँ पर मंदिर आ गया है, जय हो सीतला माता की, यहाँ पर लिखा है। कोई बात नहीं, नया बैग ले लेंगे। देख सकते हो मैं शॉर्टकट से जाऊंगा मैं तो। हाँ यार पहले वाह यार वाह क्या बात है, देख रहे हो माहौल। मेरे को ऊपर जाना था, तुम नीचे लिया क्या हो गया भाई? बंदर ने बच्चे से भुट्टा छीन लिया, ले भाई चप्पल का इसकी हो गया और भागेगा ये और जा आगे आगे। अरे भाई इधर छीन छीन के खाएगा तो भैया यहाँ पर तो लोगों नहा भी रहे। यहाँ पर पहले जब मैं आया था तब यहाँ पर सूखा था, ज़्यादा पानी नहीं था, यहाँ पर अभी येलो येलो पानी है जैसा कि आप देख सकते हो। उतरना पड़ रहा है नाउ इज वेयर इज वाटरफॉल, क्यों वाटरफॉल का है? हाँ मैं वही बोल रही हूँ। वो इतना सा वही तो बोला मेरे चला आती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाप रे मैं जैसे बम निकली केरल है ऐसा वाटरफॉल के लिए आए थे क्या हम? अब देखते हैं, अगर एक और वाटरफॉल नहीं मिला ना तो ये शीतल वाटरफॉल की मैं बेड रेटिंग करूँगा। भाई वाटरफॉल में मज़ा नहीं आया, बिल्कुल छोटा वाटरफॉल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई जैसा कि आप देख सकते हो वही चलने में इतनी बहुत प्रॉब्लम हो रही, और माहौल देखो बहुत बहुत ज़्यादा।
हमारे साथ हमारा भाई हर्ष हर्ष चौहान नहीं अपना हर्ष खड़ से है। और आप देख रहे हो वाटरफॉल, तो भाई अभी हम क्या हमको थोड़ा डाइनिंग टेबल जैसा सिस्टम चाहिए था, तो हमने बोला कि पत्थर को सीधा कर ले तो देखते पत्थर सीधा होता है कि नहीं। चलो उठाओ दम लगाना है। अरे आपसे कुछ नहीं होगा, आप तीन दो में जिंदे पत्थर की जगह कुछ और निकल जाएगा। पड़ेगा अपने को यहीं पे एकदम परफेक्ट सीट है। चलो आ जाओ सब आप खाना खाते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम खाना खाने बैठे थे, पर इतने सारे बंदर आ गए यहाँ पर क्योंकि एकदम हमला करने वाले थे खाने के ऊपर। बीच में से कूद जाते खाने पर, ये देखो इतने पास में बैठा है मेरे, और पीछे भी ऐसे टीम बैठी है, दो चार बंदर और आ गए देखो। इसलिए अभी खाना कैंसिल करना पड़ा यहाँ पर से, खाना पैक कर दिया फटाफट। तो हमने खाना पैक करके अब हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पर से आएंगे, यहाँ पर अब दूसरी बार नहीं आने वाला हमें, क्योंकि हमें कुछ बंदर खाना वाना खाना भी नहीं खा दिया। तो हाँ, तो मैंने उसको डराया तो वो भाग गया उधर, वो देख रहा है। चलो आप देख सकते हो हाथ में चम्मच ऐसी लेकर ये अपना अपना टिफिन लेके भागे सबके सब। और ये देखो ये इसका इसे तो बैग लेके भाग गया डायरेक्ट। मजे यहाँ पर तो क्या बंदरों की दादागिरी चल रही है, मतलब जो हाथ में दिख जाओ छीन के ले लेंगे, नहीं दोगे तो। वो देखो इससे ये बंदर ने बच्चों का छीन लिया, दिख रहा है ये बंदर ने बच्चे का छीन के यहाँ पे बैठ गया। तो ये जगह के पीछे एक दिख रहा है वाटरफॉल जरा सा, ये इतना बड़ा वाटरफॉल आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा अभी तक। ये वाटरफॉल है बस ये खास था। इसके अलावा तो मेरे साथ अभी मेरे कुछ दोस्तों ने जो आपको फुल्ली रिव्यू बताएंगे कि यहाँ प्लेस कैसी है। चलते चलते बताओ भाई, टाइम नहीं है, आपको जाना है। तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो ये प्लेस जो है ना बड़ी ही बोरिंग और बड़ी ही बकवास निकली मेरे हिसाब से, और जो हमारा टाइम वेस्ट पूरा फुल ऑन टाइम वेस्ट किया, और पसीना अलग गया, थक अलग गया, स्किन टैन अलग हो गई है। ये पानी वाटरफॉल भी इतना सा आ रहा था, मेरे घर पर पानी डाल देता वाटरफॉल बन जाता। दिक्कत आ गई लंच करने बैठे, उसमें भी दिक्कत आ गई लंच करने बैठे थे। हो बस ये नाम का है, जो नाम का घूमने का हुआ है। तो मतलब अगर आपको टाइम पास करना तो यहाँ जरूर आओ, और ऐसे मेरा तो रियल रिव्यू है। लोगों नहाने आ जाते, नहाना तो नहा लो भाई, घर पे नहा लिया करो वो ज़्यादा अच्छा है। अरे भाई 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 देख, तूने को दिख रहा है ये दोनों को, देख रहा है लेपर्ड, लेपर्ड है क्या ये? अरे अरे चलो भागो भागो भागो, अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भाई जल्दी, चलो मैं तेंदुआ देखा हमने, चलो यहाँ से जल्दी से, चलो ये सब मजाक में ले रहे हैं क्या? चलो चलो जल्दी से चलो, बगैर सब गाड़ी ले लेगा बगैर, अरे मजाक नहीं कर रहा, ये देख सब बगैर बगैर गाड़ी दे, चलो जल्दी चलो जाइए, चलो फटाफट। अपनी गाड़ी का है हो रही, बहुत फंसी हुई अपनी गाड़ी तो आ रहा है यहाँ पर से यार। तो भाई अभी हम मऊ जन्मभूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पे पहुँच गए, और यहाँ से अभी हम सीता माता फॉल से आ रहे हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक लिया है, थोड़ी देर बाद हम फिर घर जाने वाले हैं। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं जन्मभूमि, जो कि बहुत ज़्यादा औसम मौसम के साथ औसम लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है। आप यहाँ पर कभी कोई भी आए तो यहाँ पर मऊ से जाते जाते कोई से भी यहाँ पर रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफेक्ट जगह है, देख सकते हो आप। पहले से बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो गया है। अब यहाँ पर हम लंच करते फटाफट, तो कहाँ पर करें लंच? यहाँ पर मेन आने का उद्देश्य यह था कि हमको सीधे सीधा बोलो तो लंच करना है, सुबह से भूखे हैं साला। अभी यहाँ पर न्यू ये स्टैचू भगवान बुद्ध की लगी है, और आप देख सकते हो भाई अभी ग्रास व्रास बहुत अच्छा सेटअप बना दिया है इन्होंने। तो चले चलते चलो फटाफट, नहीं नहीं पहले मैं खाना खाना पसंद करूँगा। किधर चलना है?
और सब है मेरे साथ, बहुत थक गए हम तो बस जल्दी जाते हैं अब फटाफट, बस और वेट नहीं हो रहा, बस इसकी इच्छा हो रही है बस। मैं से बोलते थे इतनी बन रहा है, जुबान फिसल रही मेरी, तो जल्दी जल्दी चलो। और ये देखो भाई यहाँ का मौसम इतना शानदार हो रहा है, और ये वाइट वाइट जो है ना बहुत अच्छा फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा, लोग तो अच्छा अपने का परफॉर्मेंस देगी तो ये जगह पर आप आ सकते हो, मतलब सही है। अब नीचे बैठेंगे, जय और टिकू का रिव्यू पूछते हैं कितनी भूख लग रही है तुमको बताओ। सुबह से लेकर तो अभी तक कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है मुझे, और 1% थका, ठीक है 99% भूख के साथ कैमरा मैन चांद नवाब तो चलिए चलते हैं, और चलना क्या, खाना खाने बैठते हैं अब, है ना। और ये कौन सा मोबाइल है रे, बहुत शानदार वीडियो आ रहा है इससे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम जन्मभूमि पर आ चुके हैं, और देखो मौसम बड़ा ही, और जय और हमारे साथ हमें जय निकालते और हर्ष घर से, और अब हम थोड़ी देर में बस यहाँ से फिर यूनिक घर जाते हैं, थोड़ा बहुत अंदर फोटोशूट करेंगे जो कि बहुत अंदर माहौल अच्छा है, चलो दिखाता हूँ आपको, चलो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब फोटोज लगे जिसके अंदर हिस्ट्री शो कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है बाबा साहब से रिलेटेड, जो भी बाबा साहब ने किया है। तो जैसा कि अब 7:30 बज चुकी है और हम जा रहे हैं घर, जन्मभूमि का पूरा हो गया है, उसी के आप बैकग्राउंड देख सकते हैं जन्मभूमि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो अब हम जाते हैं फटाफट, और टाइम भी हो चुका है, अभी हम 20 से 25 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।